प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया द्वारा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में नेताओं को फूल छाप मानसिकता वाले कांग्रेस नेताओं से बचने के बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेसियों के घर से भी अब कमल के फूल उगने लगे हैं, इससे पार्टी घबरा गई है। शिवराज सरकार की कल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस के लोगों पर भी अपना असर दिखाने लगी हैं, जिससे बौखलाकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को इस तरह के बयान देने पड़ रहे हैं। तो ये जो कांग्रेस के अंदर जब शिवराज जी की तारीफ कांग्रेस के परिवारों के घरों से जब उठकर खड़ी हुई है, तो इसमें जो है घबराए हुए है और स्वयं कांतिलाल भूरिया का आधा परिवार फूलछाप कांग्रेस ही हो गया है। तो अब बड़े बड़े नेताओं में ये घबराहट शुरू हो गई है कि जिस तरह फूल ने कांग्रेस के घर में प्रवेश किया है, ऐसा नहीं हो कि पंजा अपने आप खत्म हो जाए और कांग्रेस के घरों से भी फूल निकल कर जीत कर आए। तो इसलिए कांग्रेस घबराई हुई है, मुरझाई हुई है। अब कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा, अब केवल कांग्रेस को ये देखना है कि 2013 में फूल छाप शिवराज सिंह जी की किस तरह ताजपोशी होती है। भाजपा का दावा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान योजनाओं को अब कांग्रेसी भी सराहने लगे हैं, खासकर लाडली लक्ष्मी, मुख्यमंत्री कन्यादान और तीर्थ दर्शन योजना से लोगों में खासा उत्साह है, जिसके बाद कांग्रेस को अब अपनी बची हुई जमीन भी सरकती नजर आ रही है।